तो गाइस आज हम रेडमी के नोट 10 प्रो मैक्स मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं रेडमी ने हमें इस फ़ोन के साथ क्या क्या दिया है और इसके फ़ोन के अंदर क्या क्या इस फीचर्स हमको दिए हैं। गाइस इस फ़ोन का जो कैमरा है वो 108 MP का दिया है हमें रेडमी ने, और ये 108 MP सिर्फ रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में ही अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी टाइम खराब ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसके साथ हमको रेडमी ने क्या क्या दिया है। इसके बॉक्स के अंदर बस एक एडाप्टर और एक डाटा केबल और मोबाइल, बस तीन ही चीज़ मिली है। जो इसका एडाप्टर का जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट है और जो इनपुट है 200 से 240 वोल्ट है। एडाप्टर रखकर अब फ़ोन देख लेते हैं, फ़ोन के अनबॉक्स देख लेते हैं, ओपन करके देखिए एकदम स्मूथ फ़ोन है। इसमें चार कैमरे हैं बैक साइड में, एक और दो स्पीकर हैं, एक स्पीकर इसकी ऊपर की साइड है और एक स्पीकर नीचे की साइड है, और नीचे इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और माइक दिया हुआ है। साइड में देख लेते हैं, साइड में ये सिम स्लॉट है जिसमें सिम लगते हैं, और दूसरी साइड में पावर की है और एक दो वॉल्यूम की है। एकदम स्लिम फ़ोन है, पूरी सिल्वर लेयर लगी हुई है इसके, सिल्वर कलर लेयर लगी हुई है चारों तरफ, और पीछे से देख लेते हैं इसका एकदम एंटिक लुक आता है। तो अब हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। अभी मैंने पावर की दवाई है, ऑन हो रहा है फ़ोन, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। देखिए गाइस सबसे पहले हमें रेडमी का आइकन दिखाई देगा और नीचे पावर्ड बाय एंड्रॉयड, अभी ये ऑन हो रहा है। तो म्यू आ गया है जो इसको अपना सॉफ्टवेयर गिव देता है जो कि रेडमी को। गाइस देखिए अभी फ़ोन कंप्लीटली ऑन हो चुका है। देखिए गाइस इसमें वही सब फंक्शन फीचर सब बहुत अच्छा है, इसे एकदम से टच इसकी बहुत अच्छी चल रही है। अभी अपन कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरे में क्या, इसमें 108 MP में क्या चीज़ दी हुई है। अभी नॉर्मल कैमरा चला के देखते हैं फोकस करके। ये देखिए गाइस मैंने फोटो क्लिक कर लिया, अब हम 108 MP से क्लिक करेंगे। 108 MP क्लिक कर दिया और ये 108 MP वाला कैमरा जो बैक रियर कैमरा है वो चल गया है। उससे एक फ़ोटो क्लिक कर लिया है मैंने, अभी थोड़ा पास से क्लिक करता हूँ और देखता हूँ इसमें कैसा फ़ोटो आया है। देखिए गाइस अभी ये फोकस हो गया है, और इसका साइज ऑफ फोटो का 25 MB, 25 MB का एक फोटो। तो गाइस इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, और कैमरे के अंदर काफ़ी माइक्रो दिया हुआ है, मैक्रो दिया हुआ है, और स्लो मोशन, मिनी ब्लॉग। हम इस नॉर्मल कैमरे से किसी बिना थर्ड पार्टी ऐप के भी एक अपना ब्लॉग बना सकते हैं। प्रो एक इसमें प्रो कलर का ऑप्शन है जो अच्छे खासे नॉर्मल कलर को एक अच्छा कलर बना देता है। देखिए गाइस मैं और अच्छे से फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, ये एकदम एक सुपर मैक्रो है, बहुत अच्छे छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ा दिखा देता है। देखिए मैंने सुपर मैक्रो से, ये सुपर मैक्रो चल रहा है अभी, बहुत छोटी चीज़ है बट इसमें एकदम क्लियर दिखा रहा है। अभी देखिए नीचे की मैं बेडशीट दिखा रहा हूँ, ये बेडशीट के अंदर की चीज़ें तक दिखा देता है। गाइस अभी मेरा दूसरा जिससे वीडियो बन रही है फोकस अच्छा नहीं कर पा रहा है डिस्प्ले को, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। इस फ़ोन में हमारे हैंड के जो फिंगरप्रिंट
प्रिंट होते हैं, जो फिंगरप्रिंट होते हैं, वो भी क्लियरली हम देख सकते हैं कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। इसमें सुपर मैक्रो का ज़्यादा एडवांस फीचर्स दिया हुआ है, जो कि ये फीचर्स बहुत ज़्यादा बजट में मिलता है, बट ये लो बजट में, मिनिमम मतलब लो भी नहीं कह सकते और ज़्यादा भी नहीं कह सकते, मीडियम बजट है और अच्छा खासा फ़ोन मिल रहा है। गाइस देखिए नीचे रेडमी का लोगो है, पीछे कैमरे हैं, वाइड एंगल कैमरा है, एक मेन कैमरा है और गैस और रेडमी ने एक साइड में एडवांस फ्लैश फीचर जो लाइट हर एक है। रेडमी मोबाइल में दिया हुआ है, जिससे कि हम अपने फ़ोन को, अगर हमारे टीवी का रिमोट लॉस्ट हो जाता है तो हम उससे अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं गैस इसका स्पीकर आपको चेक करके दिखाता हूँ, MP3 गाना प्ले करता हूँ। तो गाइज मैं अभी आपको इसकी चार्जिंग चेक करके दिखाता हूँ, इसका जो चार्जर है वो बहुत ही फास्ट है। आप इस फ़ोन का जो चार्जर है वो 60 मिनट में पूरा 100% चार्ज कर देता है, क्योंकि इसका एडेप्टर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। देखिए गाइज इसके एडेप्टर में काफ़ी वोल्ट से इनपुट और आउटपुट ये प्रोड्यूस करता है, जिससे कि फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। देखिएगा इस तरह से ये चार्ज होता है, अभी 93% है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच।